हाय फ्रेंड्स, मैं औरंगजेब कुशवाहा, आप देख रहे हैं रियल टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपका हु कमर्स ई कमर्स वेबसाइट है और उसमें आपका सारे प्रोडक्ट्स के नंबर शो हो रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे कितने पोर्ट नंबर आप कितने प्रोडक्ट ऐड है, सारे नंबर शो हो रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे इस कैटेगरी के अंदर इतने प्रोडक्ट हैं, तो दोस्त अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसे रिमूव कैसे कर पाएंगे, उसे हाइड कैसे कर पाएंगे। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से नंबर शो होते हैं। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्त आप इसे रिमूव कैसे कर पाएंगे, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियोजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस रियोजन टेक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नंबर शो हो रहा है इसी को यहाँ पर हम रिमूव करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर आपको शो हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में कितना ऐड हुआ है। जैसे कि यहाँ पर नंबर्स जो शो हो रहा है, इस नंबर्स को अपने को रिमूव करना है। तो इस नंबर्स को रिमूव करने के लिए दोस्त अपने को सीएसएस कोड की आवश्यकता पड़ेगी, जिस सीएसएस कोड को अपने को इस कस्टमाइज सेक्शन के अंदर चल के ऐड करना है। चलिए दोस्त मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद चलिए दोस्त मैं अपने को सीएसएस कोड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे दोस्त आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आने, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अपने को थोड़ा नीचे आना होता है, नीचे आने के बाद दोस्त अपने को सीएसएस कोड मिल जाता है। इस सीएसएस कोड को अपने को कॉपी कर लेना है और अपने वेबसाइट के अंदर सीएसएस कोड में ऐड कर देना है। चलिए दोस्त यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अपने को थोड़ा नीचे आना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, एडिशनल सीएसएस का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपने को सीएसएस कोड डालने के लिए अपने को थोड़ा सा नीचे आना होता है। यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स के अंदर अपने को इस सीएसएस कोड को डाल देना होता है। डालने के बाद दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं। डालते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर था यहाँ से हाइड हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ से इसे अगर हटा देता हूँ तो यहाँ पर नंबर अभी शो हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर शो हो गया और यहाँ पे जैसे ही मैं डाल दूंगा यहाँ से नंबर हाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पब्लिश कर दें, इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा था ये हाइड हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो नंबर शो होते हैं, प्रोडक्ट आप नंबर जो शो होते हैं उसे आप हाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और आप दोस्त इस सीएसएस कोड को यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियोजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियोजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।